दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को मोबाइल में कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों हम कई सारे जो स्मार्ट वॉच को यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास जो एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो उसको आपको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारे पास एक जो एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो उसको हमें मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपका जो स्मार्ट वॉच है वही आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ से मैंने ओपन कर दिया है और उसमें आपको साइड में सेटिंग का बटन है वही आपको प्रेस कर देना है। तो जो एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो उसमें जो सेटिंग का बटन आता है जो साइट में, यहाँ से आपको ओपन कर देना है। तो चल मैंने सेटिंग पे क्लिक कर दिया है और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपको जो क्यूआर कोड है यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको मोबाइल से स्कैन करके जो ऐप है यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है। तो चल मैं आपको प्ले स्टोर में डायरेक्ट ऐप है यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका जो किसी भी मोबाइल है तो उसमें आपको स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपका जो मोबाइल है तो उसमें आपको प्ले स्टोर को ओपन कर देना है और यहाँ से आपको जो एरिपाइन का ऐप है यहाँ से आपको इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यहाँ से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो सभी मैंने आपको यहाँ पे मोबाइल में अलाउ पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो विदाउट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चल मैं लॉगिन पे डायरेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको यहाँ पे वेट करना है क्योंकि जो एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो उसको हमें मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको कन्फर्म पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो निक नेम है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको किसी भी जो नाम है यहाँ से आपको टाइप कर सकते हो। तो चल मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ से मैंने किसी भी नाम को टाइप कर दिया है तो आपके हिसाब से किसी भी नाम को टाइप कर देना है और यहाँ से आपको कन्फर्म पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका जो नाम है वही आपका सेट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से आपको बैक बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कैंसिल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आपको गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से मैं सेट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो ऐप है एरिपाइन का तो उसको आपको जो अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैंने एक्सेस पे क्लिक कर दिया है तो वैसे ही आपको एक्सेस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको जाना है बैक। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका स्मार्ट वॉच है एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है अभी हमारा मोबाइल में कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन है यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको स्मार्ट वॉच पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से जो आपका एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो उसका जो नाम है यहाँ से आपका शो हो जाएगा तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको यहाँ पे वेट करना है। तो आपका जो स्मार्ट वॉच है यहाँ से आपका मोबाइल में कनेक्टेड हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा सही से कनेक्टेड हो चुका है। तो वैसे आपको मोबाइल में कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जो प्रोफाइल का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन है यहाँ से आपका देखने को मिल जाता है। तो लेकिन आपको सभी सेटिंग देखने के लिए आपको लास्ट में क्लिक करना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपका कितना परसेंटेज बैटरी है यहाँ से आपका शो हो जाएगा। डिवाइस सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फाइंड माई वॉच पे क्लिक करते है तो जो हमारा वॉच है वही हमारा सही से मोबाइल में कनेक्टेड हो चुका है। तो दूसरा जो ऑप्शन है मैसेज नोटिफिकेशन है तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो आपका जो व्हाट्सअप है इंस्टाग्राम है फेसबुक है तो उसका नोटिफिकेशन है यहाँ से आपको ऑन कर देना है। तो जैसे आपका मोबाइल में मैसेज जो हो जाएगा तो आपका स्मार्ट वॉच में भी मैसेज आ जाएगा। तो वैसे आपको ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो कई सारे ऑप्शन है यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है लेकिन आपको मोबाइल में वॉलपेपर को सेट करना है
तो यहाँ से आपको थीम्स का ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो कैमरा का ऑप्शन है तो स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ से हमने कैमरा को ओपन कर दिया है। तो आपको स्मार्ट वॉच से किसी भी फोटो को क्लिक करना है तो यहाँ से आपको क्लिक भी कर सकते हो। बैक कैमरा करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन आपको वॉलपेपर को चेंज करना है तो यहाँ से आपको थीम्स का ऑप्शन है यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको उसमें क्लिक करके बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से जो थीम्स है उसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको कई सारे जो कैमरा का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करके यहाँ से आपको वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि वैसे आपको वॉलपेपर है यहाँ पे आपको कई सारे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से जो कैमरा का ऑप्शन है तो इसमें आपको क्लिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो भी सेट कर सकते हो। तो वैसे आपको कई सारे ऑप्शन है यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से जो प्रोफाइल का ऑप्शन है यहाँ से आपका शो हो जाएगा। तो वैसे आपको ये सेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो इसको आपको मोबाइल में कनेक्ट करना है तो वैसे आपको आसान रख के कनेक्ट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा कनेक्टेड हो चुका है और मोबाइल में ब्लूटूथ है यहाँ पे हमारा सही से शो हो रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करना।